असल दिस इज़ योर होस्ट हमना सैयद फ्राम अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ प्रेस पाकिस्तानी रिसर्च शो आज जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे गेस्ट उनका नाम है सैयद शहबाज रियाज ही इज़ अ सी ई ऑफ शहबाज स्टेट एंड बिल्डर्स आइए उनसे कुछ बातें करते हैं uh, सब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया आज मुझे ये बताएं आपको कितना अर्सा हो गया इस uh, मुझे जी रियल स्टेट से uh, जो है वो तकरीबन कोई फोर्टीन uh, ईयर्स नया पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नए uh, पाकिस्तान के हवाले से जो है वो पी टी आई की जो गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशियटिव लिया है uh, मेरे ख़्याल से ये इनको uh, स्टार्ट में बिल्कुल ले लेना चाहिए था और लेकिन चलें एनी वेज ये अभी लिया है इन्होंने अपने टू ईयर्स कम्प्लीट होने के बाद uh, लेकिन ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है रियल स्टेट के हवाले से आपकी इकोनॉमी के हवाले से जो नए प्लान्स इन्होंने दिए हैं वो बड़े अच्छे हैं और हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इसके अंदर काफ़ी अच्छा बूस्ट करेगी सर सिंस आप डी में ज़्यादा काम करते हैं तो हमें एक अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि प्लॉट और फाइल में आखिर डिफरेंस है क्या एक्चुअली प्लॉट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के अंदर दो कैटेगरीज हैं सही? एक प्लॉट आपको मैप के ऊपर नजर आता है मैप के ऊपर नक्शे के ऊपर एक प्लॉट आप ऑन ग्राउंड देखते हैं और एक फाइल है फ़ाइल बेसिकली जो होती है वो तो इन शेप ऑफ जो है वो पेपर होती है कि आपको डी एच ए ने एक अनाउंसमेंट की और आपको एक फाइल नंबर ऑफ फाइल्स होते हैं तो उसके अंदर डी एच ए सम हाउ जो है वो बिल्कुल मैप लोकेशन uh, जो है वो सम हाउ डिक्लेयर करता है अदरवाइज़ जो है वो अगर वो डिक्लेयर नहीं करता तो आफ्टर बैलेटिंग जो है वो फ़ाइल जो है वो प्लॉट की शक्ल में uh, आ जाती है जी नंबर ऑफ प्लॉट आ जाते हैं मैप आ जाता है मार्केट में लोगों को आवाम को पता चल जाता है कि ये जो है इस सोसाइटी का डीएचए की तरफ से अभी जो नया फेज़ है उसकी लोकेशन ये वाली है उसके बाद फिर डेफ़िनेटली डीएचए उसको डेवलप करता है और वो डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो आफ्टर फाइल जो है वो लोगों को लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है फ़ाइल के हवाले से कि ये हम लोग हम लोगों ने फ़ाइल ले ली है और उसके अंदर जो है ये इसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता लोगों को जो है वो हम लोग ब्रीफ भी करते हैं बार बार अपने मुख्तफ फॉरम के अंदर कि फाइल से जब आपका प्लॉट बनता है जब आपकी बैलटिंग होती है डी एच एलटिंग अनाउंस करता है तो फिर उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो आफ्टर मैप जो है आपका प्लॉट का नंबर ऑफ प्लॉट के बाद आपको डिवेलपमेंट चार्जेस जो हैं वो इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर आपको जो है वो थ्री ईयर्स का प्लान आता है टू ईयर्स का प्लान आता है तो उसके मुताबिक जो है वो अभी जैसे मौजूदा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब रियल स्टेट को भी एक सेक्टर का दर्जा दे दिया जाएगा जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रियल स्टेट को हम लोग तो बड़ी देर से इसका वेट कर रहे थे तो कि तो ये जो है वो हमें रियल स्टेट का दर्जा दिया जाए और आ, मेरा ख्याल है कि ये खान साहब ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा हमें इनिशिएटिव दिया है तो ये डेफिनेटली ये होना चाहिए सर आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताएं हमारे जी एक्चुअली डी एच फेज़ नाइन टाउन के अंदर हमने जो है ये आ, पिछले तीन साल से कंस्ट्रक्शन के हवाले से मुख्तफ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनमें कैटेगरी पाँच मरला जो है वो हाउस लोगों को डिलीवर किए हैं और उसके अलावा अलहमद हमारे अभी बहरिया टाउन के अंदर जो है वो हम लोग दो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो इनशाला ये साथ साथ चलते हैं प्रोजेक्ट जी इन जी तो अभी जैसे रियल स्टेट में आपको चौदह साल हो गए सो तो वो लोग जो रियल स्टेट सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं या उसका पार्ट है उनके बारे में कोई एक मैसेज आते हैं ना एक्चुअली जी ये टाइम जो है ये बड़ा अच्छा है रियल स्टेट को ज्वाइन करने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो बड़े अच्छे इनिशेटिव देती हैं और जिन यूथ के अंदर जो स्किल्स हैं